क्या हो जब पुलिस वाले अपने ही कप्तान की जासूसी करने लगे? क्या हो जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े हो जाएं? क्या हो जब पुलिस वाले ही गलत काम करते हुए नजर आए? जी हाँ, भिवाड़ी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भिवाड़ी में तैनात पुलिस कर्मी अपनी ही पुलिस अधीक्षक यानी जिले की एसपी की लोकेशन ले रहे थे और उन पर नजर रख रहे थे। 15 से ज्यादा बार एसपी की लोकेशन निकाली गई और मोबाइल पर नजर रखी गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और भिवाड़ी में तैनात एक एसआई समेत 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। खुद पुलिस विभाग, साइबर सेल के अधिकारी और कर्मचारी भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय की फोन की लोकेशन ट्रेस कर रहे थे और एसपी कहां जा रही थी, क्या कर रही थी, ये सब पता लगा रहे थे। मामला सामने आते ही एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय ने साइबर सेल के इंचार्ज एसआई सहित एक हेड कांस्टेबल और 5 आरक्षकों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय ने पुलिस मुख्यालय को इसकी जानकारी दी है। जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा ने कहा कि मामले में एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है। इस मामले में 7 लोग निलंबित किए गए हैं। इन लोगों ने कई बार पुलिस अधीक्षक की लोकेशन निकाली थी। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय ने राजस्थान तक से फोन पर बातचीत करते हुए बताया कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हैं। इस बात का उनको विश्वास ही नहीं था कि उनके विभाग के लोग ही उन पर नजर रख रहे हैं। उनको इस मामले की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उनके ही पुलिस महकमे के कर्मचारी और अधिकारी उनकी ही लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। गोपनीय रूप से मामले की जानकारी लगने के बाद जब उन्होंने इस मामले की सत्यता की जांच करवाई तो मामला सही पाया गया। भिवाड़ी साइबर सेल के इंचार्ज एसआई श्रवण जोशी, हेड कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल राहुल, सतीश, दीपक, भीम और रोहतास को निलंबित कर दिया गया। आगे अब इस मामले में किन किन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है उसकी भी जांच की जा रही है। जयपुर रेंज के आईजी अजय पाल लांबा का कहना है कि पुलिस कर्मियों की ओर से कई बार पुलिस अधीक्षक की लोकेशन निकाली गई, उन पर नजर रखी जा रही थी। इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही 7 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पुलिस कर्मियों ने ऐसा क्यों किया। आपकी जांच कराई किस क्राइम और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का जो कोई भी एविडेंस होता है वो एविडेंस एक परमानेंट नेचर का होता है। जब से साइबर सेल गठित हुआ है उधर ये भिवाड़ी जिला जब से बना तब से लेकर आज तक जो जो भी यहाँ की टेक्निकल सेल साइबर सेल द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सारे कार्यों का डिजिटल एविडेंस मौजूद रहता है। उन समस्त के संबंध में जांच करें, ये जब ऐसी कोई घटना सामने आई है कि हमारी टेक्निकल सेल के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है तो ऐसे में ये भी जरूरी है कि ये जो इंसिडेंट सामने आया है इससे पूर्व में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो, कोई घटना हुई हो तो उसकी जांच के लिए जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस इकट्ठा है उस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, जो सामने उस पर जो इस तरह की कई बार बातें आती हैं तो ब्लैक शिप हर जगह होते हैं। जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं चाहे वो हमारे पुलिस कर्मी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, जिनके द्वारा भी गैर कानूनी कार्य या ऐसा कोई कार्य जो हमारे विभागीय नियमों के प्रतिकूल हो उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान तक के लिए अलवर से हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।